फोर्थ लेसन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस विंडोज ओएस। इसमें विंडोज 7 के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। लास्ट लेसन इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम था, जिसमें हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, मेमोरी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मेमोरी जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और मदरबोर्ड है। आज हम विंडो में काम कैसे करते हैं, मींस माउस कीबोर्ड इनका यूज़ कैसे करना है, विंडोज़ में हमने फाइल को बनाना है, फाइल को सर्च करना है, फाइल को ओपन करना, रीनेम करना, डिलीट करना, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में दिया हुआ है कि कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ओएस विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अडहियर्स टू द फीचर्स ऑफ अ गुड GUI। GUI का मीनिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 7 है हमारे पास, इसमें हम ग्राफिकल इंटरफेस करते हैं, मीन्स हमारे पास जो भी हमने कमांड देनी है कंप्यूटर को, उसके हमारे पास पिक्चर्स या इमेज या आइकन बने होते हैं, हमने सिर्फ उन पर क्लिक करना होता है। दिस इज कॉल्ड GUI। मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन बी साइमल्टेनियसली रन इन डिफरेंट विंडोज। अलग अलग विंडो में हम मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ रन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीटास्किंग, a number of concepts and terms are available in Windows, and that is what we are going to briefly discuss here in this session. Multiple applications run किया हमने, इसको बोलते हैं multitasking। इसके अलावा Windows 7 में काफ़ी बातें और होती हैं जो हम पढ़ेंगे आज। In the following sections, we shall be briefly talking about the basic components of GUI window, working with mouse, working on Windows 7, for things like creating shortcuts, running closing applications, setting date and time, working with files, folders, ये सब कुछ हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। Working with mouse and keyboard, the Windows operating system uses both mouse and keyboard as input devices। इसके लिए हमारे पास input device के mouse and keyboard होते हैं। Interaction with Windows or a Windows application is most efficient when options are chosen with the mouse and characters are entered by keyboard. Mouse or keyboard ke through interaction bahut easily ho jata hai. While working with mouse, hum kya kya kaam karte hain, kaise karte hain? First is point and click the left button to select an item. किसी फाइल को या किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस में लेफ्ट क्लिक करते हैं। अ सेलेक्टेड आइटम इज हाइलाइटेड इन सम वे, वो हाईलाइट हो जाता है तो पता चलता है कि सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन ऑफ एन आइटम डज नॉट रिजल्ट इन द इनिशिएशन ऑफ अ प्रोसेस। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गई, हमने उसको सिर्फ हाईलाइट किया है, सेलेक्ट किया है। सेकेंड इज पॉइंट एंड डबल क्लिक लेफ्ट माउस बटन टू चूज एन आइटम। किसी आइटम को चूज या ओपन करने के लिए हम उसमें लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करते हैं। व्हेन यू चूज एन आइटम सम काइंड ऑफ एक्शन अकर्स। जब चूज करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन मतलब कुछ काम होता है। राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज द राइट क्लिक माउस बटन वंस। राइट बटन जो होता है माउस में उसको एक बार क्लिक करके रिलीज कर दें तो होता है राइट क्लिक। क्यों करते हैं? टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करने से एक शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले होता है। शॉर्टकट मेन्यू क्या होता है? अ शॉर्टकट मेन्यू इज अ मेन्यू दैट शोज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स फॉर दैट सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर फॉर विच द माउस हैज बीन राइट क्लिक्ड। राइट क्लिक करने से एक मेन्यू शो होता है, उसे शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। उस मेन्यू में हमारे पास
मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स, जो कमांड्स जो ऑप्शंस हम मोस्टली यूज करते हैं वो होते हैं। फोर्थ इज पॉइंट एंड ड्रैग, प्रेस माउस बटन एंड वाइल प्रेसिंग मूव टू अनदर लोकेशन एंड देन रिलीज द माउस बटन। मतलब हमने किसी फाइल पे या फोल्डर पे माउस को क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही हम माउस को किसी और लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, सो बोलते हैं ड्रैग करना। क्यों करते हैं? टू मूव और रिसाइज अ विंडो ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो विंडो स्क्रीन का साइज है उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर उस विंडो को मूव भी कर सकते हैं। और सेकंड काम जो होता है पॉइंट एंड ड्रैग का, किसी अपने फाइल को या फोल्डर को किसी अनदर लोकेशन पे मूव करना हो, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है अ फाइल बीइंग ड्रैग्ड टू अ न्यू लोकेशन व्हाइल होल्डिंग माउस बटन। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में एक फाइल थी एनेक्सर नाम से, उसको हम डी ड्राइव में, सुमिता फोल्डर है उसमें मूव कर रहे हैं। वर्किंग विद कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इज यूज टू टाइप डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर सम अदर फंक्शंस। कीबोर्ड का यूज होता है डेटा को टाइप करने में, कुछ कंप्यूटर का कुछ कमांड देने में या फिर कुछ अदर फंक्शंस होते हैं। द कीज ऑन योर कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। अलग अलग टाइप की की होती है, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कई टाइप के ग्रुप बना रखे हैं, कैटेगरीज हैं। टाइपिंग है, कंट्रोल कीज है, फंक्शन की है, नेविगेशन कीज है, नंबर की पैड है। टाइपिंग की पैड में हमारे पास लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस, सिंबल्स होते हैं। कंट्रोल कीज में दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। कुछ सर्टेन एक्शंस, कुछ अलग एक्शंस, मतलब कुछ स्पेशल काम करने के लिए हमारे पास कंट्रोल कीज होती हैं, जैसे कंट्रोल है, ऑल्ट है, एस्केप है, विंडोज लॉगो की मतलब स्टार्ट बटन होता है। थर्ड इज फंक्शन की, द फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन की के भी स्पेशल काम होते हैं। फंक्शन की के ऊपर हमारे पास F1, F2, F3, F4 ऐसे लिखे होते हैं, ये 12 की होती हैं और इनका काम अलग प्रोग्राम में, अलग एप्लीकेशन में अलग काम होता है। नेविगेशन कीज, दीज कीज आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। नेविगेशन की हमारे पास होम एंड एरो की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट ये होती हैं और ये इनका यूज हम डॉक्यूमेंट में या फाइल में मूवमेंट करने के लिए या फिर वेब पेज में मूवमेंट करने के लिए या फिर टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए यूज करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड में राइट में होता है, अलग ही होता है ये। इसके थ्रू हम नंबर्स एंटर करते हैं, जब हमने सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्री करनी होती है तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। द कीज आर ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। जैसे एक कैलकुलेटर में कीज होती हैं वैसे होते हैं हमारे की पैड में, ये वाला है हमारे की पैड। वाइल वर्किंग विद द कीबोर्ड एक्टिवेट द करंट मेन्यू बॉक्स टाइप, एक्टिवेट द करंट मेन्यू बॉक्स बाय टाइपिंग द ऑल्ट की। एंटर द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द मेन्यू ऑप्शन इन द एक्टिव मेन्यू, चूज दैट ऑप्शन। एरो की मस्ट बी यूज टू हाईलाइट मेन्यू ऑप्शंस। शॉर्टकट कीज कैन बी यूज टू इशू कमांड्स विद इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन विदाउट एक्टिवेटिंग अ मेन्यू। इसने बताया कि हम कीबोर्ड के थ्रू किसी मेन्यू में से ऑप्शंस कैसे चूज कर सकते हैं, इसने कैसे करते हैं। एक्टिवेट द करंट मेन्यू बॉक्स बाय टाइपिंग द ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू हाईलाइट हो जाएगा और सभी मेन्यू में किसी एक लेटर के नीचे अंडरलाइन शो होगा, तो हमें वो जो लेटर अंडरलाइन हुआ है वो की कब कीबोर्ड में प्रेस करनी है और वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं।
Explore your computer. Once your computer is booted up, you are ready to explore your computer. Means you can now see what all things are there on your computer. Booted up का मतलब होता है start होना, booting होती है ये. Booting का मतलब होता है जब computer को on करते हैं तो windows की फाइलें हमारे hard disk से RAM में store हो रही होती हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग. तो कंप्यूटर एक बार बूटेड अप मतलब पूरा स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर में काम करने के लिए रेडी होते हैं. कई तरीके होते हैं इसके फाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए. मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर स्टार्ट बटन और टास्क बार, माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर. इन तीन मेथड से हम मोस्टली कंप्यूटर में काम करते हैं. फर्स्ट मेथड है स्टार्ट बटन या टास्क बार. You can use the taskbar and start button to easily navigate through Windows 7. Start button और taskbar का use करके हम navigation मतलब between various applications navigation कर सकते हैं. Both features are available on your desktop no matter how many open windows you have. Start button और taskbar desktop पे होते हैं. Using the start button, you can accomplish almost any task. Start button के through हम सभी मतलब almost सभी काम कर सकते हैं. You can start programs, open documents, customize your system, get help, search for items on your computer and more. Start के through हम files को या documents को open कर सकते हैं, system में changes कर सकते हैं, help, search ये सब कर सकते हैं. Some commands from the start menu have right facing arrow, which means additional choices are available on a secondary menu. Start menu में कुछ कमांड जो होती हैं उनमें राइट साइड में एक एरो होता है जिसका फेस राइट साइड में होता है. उसका मीनिंग होता है कि इस ऑप्शन में हमारे पास सब मेन्यू मतलब एडिशनल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. If you place your pointer over an item with an arrow, another menu appears. अगर ऐसे किसी ऑप्शन पे हम माउस पॉइंटर को होवर करते हैं मीन्स ले जाके रंग छोड़ देते हैं तो अदर मेन्यू सब मेन्यूज का ओपन हो जाता है. डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर सेटअप योर स्टार्ट मेन्यू मे लुक स्लाइटली डिफरेंट. ऐसा हमारा कुछ स्टार्ट मेन्यू होता है बट ये अलग अलग कंप्यूटर की सेटिंग अलग अलग होती हैं, इसका लुक भी अलग अलग ही होता है. टू यूज द स्टार्ट मेन्यू क्लिक द स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स. क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू ओपन. पॉइंट टू ऑप्शन विद राइट फेसिंग एरो टू ओपन सेकेंडरी मेन्यूज. स्टार्ट मेन्यू को यूज करना बिल्कुल ईजी है. हमारे कंप्यूटर में टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन. इस पर क्लिक करना है, सिंपली लेफ्ट क्लिक करते हैं और स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और हमें जो भी एप्लीकेशन या फोल्डर ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे वो ओपन हो जाएगा. टास्क बार. दिस इज अ बार दैट इज यूजुअली फाउंड एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. एक पट्टी टाइप में होता है ये दैट इज फाउंड एट बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. स्क्रीन के बॉटम में होता है ये. The start button about which we have discussed just now is located on the taskbar only. Start button जो होता है वो taskbar पर ही होता है. Apart from the start button, the taskbar hosts the clock, some toolbar. Start button के अलावा taskbar में हमारे पास clock होती हैं और toolbar होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ various types of tools होते हैं. And the buttons corresponding to all open windows. और जो भी विंडोज जो भी एप्लीकेशन हमने रन कर रखी हैं जो चल रही हैं करंट में उनके आइकन्स भी टास्क बार पर शो होते हैं. बटन्स ऑन द टास्क बार शो यू विच विंडोज आर ओपन इवन इफ सम विंडोज आर मिनिमाइज्ड और हिडन बीनीथ अनदर विंडो. हमारे जितने भी विंडो ओपन है चाहे वो मिनिमाइज हैं चाहे एक दूसरे के ऊपर खुली हुई हैं वो सभी टास्क बार पर शो होती हैं. You can easily switch to a different window by clicking its taskbar button. अब हमने एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना है नेविगेशन करना है तो ईजिली हमने सिर्फ उस पर उसके बटन पर क्लिक करना है
और वो विंडो ओपन हो जाती है। दैट इज जैसे इफ यू आर करंटली वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स विंडो एंड नाउ यू वांट टू स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हिच इज आल्सो एक्टिव इन अनदर विंडो, देन ऑल यू नीड इज टू क्लिक द बटन रिप्रेजेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन द टास्क बार। मान लो हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में स्विच करना है हमने, तो सिंपली हमने टास्क बार में पावर पॉइंट के बटन पे क्लिक करना है। माई कंप्यूटर या कंप्यूटर, ए कंप्यूटर प्रोग्राम आइकन इज हेल्पफुल इफ यू प्रेफर व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ अ सिंगल फोल्डर और ड्राइव। जब हमने किसी फोल्डर में ओपन करना है या किसी ड्राइव को ओपन करना है तो माई कंप्यूटर आइकन काम आता है। व्हेन यू डबल क्लिक कंप्यूटर ऑन योर डेस्कटॉप अवेलेबल ड्राइव्स अपीयर इन अ न्यू विंडो। डेस्कटॉप पे हमारे पास कंप्यूटर नाम से आइकन होता है, उस पर हमें डबल क्लिक करना है, वो ओपन हो जाता है और उसमें जो भी हमारे पास ड्राइव है वो एक विंडो में खुल जाती है। व्हेन यू डबल क्लिक अ ड्राइव आइकन अ विंडो डिस्प्लेस द फोल्डर्स कंटेंट इन दैट ड्राइव। अब किसी ड्राइव पे हम डबल क्लिक करेंगे तो उस वो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम उस ड्राइव में जो फोल्डर्स हैं, जो फाइलें हैं वो देख सकते हैं। यू कैन देन डबल क्लिक अ फोल्डर टू सी द फाइल्स कंटेन इन द फोल्डर। और किसी फोल्डर को ओपन करना तो सेम तरीका है, किसी उस फोल्डर पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा और हमें फाइल शो हो जाएंगी। इन विंडोज 7 द थिंग्स यू हैव ऑन योर कंप्यूटर योर प्रोग्राम्स योर डॉक्यूमेंट्स एंड द डेटा फाइल्स, जो भी हमारे पास चीज़ें होते हैं कंप्यूटर में, क्या क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, डेटा फाइल होती हैं, ऑल आर एक्सेसिबल फ्रॉम वन प्लेस कॉल्ड कंप्यूटर। इन सबको हम कंप्यूटर आइकन जो बना होता है डेस्कटॉप पे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। टू सी व्हाट्स ऑन योर कंप्यूटर कैसे देखेंगे, डबल क्लिक कंप्यूटर आइकन, विंडो अपीयर्स डिस्प्लेइंग सेवरल डिफरेंट पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स। कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करना है, एक विंडो खुलेगी, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट के ड्राइव्स के और फोल्डर्स आइकन होते हैं, हमने उनको ओपन करके देख सकते हैं। टू यूज एन आइटम इन कंप्यूटर विंडो डबल क्लिक द आइकन। कोई आइटम मतलब कोई फाइल ओपन करनी है तो उस पर भी डबल क्लिक करेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हार्ड ड्राइव से डी ड्राइव हमें ओपन करनी है तो डी ड्राइव पर डबल क्लिक करेंगे। सिमिलरली टू ओपन डीवीडी ड्राइव डबल क्लिक ऑन द आइकन रिप्रेजेंटिंग डीवीडी ड्राइव। ऐसे डीवीडी ड्राइव ओपन करेंगे तो डीवीडी ड्राइव पे डबल क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगी। व्हेन यू डबल क्लिक अ डिस्क ड्राइव आइकन इन कंप्यूटर अ विंडो शोइंग द कंटेंट्स ऑफ दैट ड्राइव अपीयर्स। अब किसी ड्राइव पर हमने डबल क्लिक किया है तो एक विंडो खुलेगी जिसमें उस ड्राइव में जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी आइटम्स स्टोर्ड हैं वो सभी शो हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइकन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स या फाइल्स के लिए, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। यू डबल क्लिक दीज आइकन्स टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर और द इंफॉर्मेशन इन द फाइल और टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। अब वो फोल्डर है या फाइल है या एप्लीकेशन है, उनको ओपन करने के लिए, रन करने के लिए जस्ट हमें उन पर डबल क्लिक करना होता है। फाइल्स एंड फोल्डर्स, एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन काम डेटा को मैनेज करना भी होता है। दो यू नो अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स, लेट अस क्विकली रिटॉक अबाउट देम बिफोर यू क्रिएट एंड मैनेज देम प्रैक्टिकली। और दोबारा देखते हैं फाइल एंड फोल्डर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अ फाइल इज द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर एंड ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन और स्टोर्ड इन टू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल। फाइल जो है कॉमन स्टोरेज यूनिट है और कंप्यूटर में हमारे पास जो भी डेटा है या एप्लीकेशंस हैं वो सब कुछ फाइल के फॉर्म में ही स्टोर होता है और फाइल के फॉर्म में ही हम उसे ओपन करते हैं। अ फाइल हैज ए नेम एंड एक्सटेंशन टू। हर एक फाइल का एक यूनिक नेम होता है और एक एक्सटेंशन भी होती है। जैसे माई वर्क डॉट डी ओ सी, बजट डॉट एक्सएलएस, फेयर डॉट पीपीटी। माई वर्क, बजट, फेयर ये फाइल के नेम हैं,
.doc, .xls, .ppt ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से हमें पता लगता है कि ये फाइल किस टाइप की है। अ फाइल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज और ग्राफिक, प्रेजेंटेशन, डेटा बेस, डॉक्यूमेंट एंड ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा। किसी भी टाइप का जो हमारे पास डेटा कंप्यूटर में हो वो सब कुछ फाइल के फॉर्म में ही सेव होता है। फोल्डर, अ फोल्डर इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स वन और मोर फाइल्स। एक कंटेनर या एक बॉक्स टाइप में कह सकते हैं जिसमें हम फाइलें स्टोर करते हैं। अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स मीन सब फोल्डर्स। और एक फोल्डर में फाइलों के अलावा अदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं जिन्हें सब फोल्डर कहते हैं। फोल्डर्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स मच लाइक अ मनीला फाइल फोल्डर कंटेन्स पेपर डॉक्यूमेंट्स इन अ फाइल कैबिनेट। जैसे एक अलमीरा होती है उसमें हम फाइलों को फोल्डर्स में अरेंज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में फाइलों को फोल्डर में अरेंज करते हैं। अलग अलग टाइप के फाइल के लिए अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर्स कैन बी एम्प्टी ऑल्सो, फोल्डर खाली भी सकते हैं। अंटिल यू स्टोर सम फाइल्स एंड सब फोल्डर इन देम, जब तक हम उनमें कोई फाइल या फोल्डर सेव नहीं करते तब तक वो खाली भी होते हैं। और फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं। जैसे ये सारे फोल्डर्स हैं और ये सारे अलग अलग टाइप की फाइलें हैं, ये आइकन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे वाले आगे जो लेसन आएंगे उनमें हम उनके बारे में और पढ़ेंगे। अभी है क्रिएटिंग फोल्डर। कोई फोल्डर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे न्यू फोल्डर। एज यू नो अ फोल्डर इज अ लोकेशन ऑन सम स्टोरेज मीडियम इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज ऑन डिस्क विद फोल्डर्स। जो फाइल होते हैं फोल्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं, मैनेज होती हैं। When you use a program and save your work, or when you install a program, you are creating files. जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम फाइलें बनाते हैं। You can store your files in many locations on the hard disk, network drive, or pen drive and so on. और उस data को उस file को हम कहीं भी save कर सकते हैं। To better organize your files, you can also store them in folder. और properly तरीके से manage करने के लिए हम folder बनाते हैं। New folder के लिए कैसे manage करेंगे? डबल क्लिक कंप्यूटर एंड देन डबल क्लिक द डिस्क या कमांड वर्ड ड्राइव और फोल्डर इन विच यू वांट टू प्लेस द न्यू फोल्डर। मीन्स जिस ड्राइव में या फोल्डर में हमने नया फोल्डर बनाना है उसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। क्लिक न्यू फोल्डर बटन ऑन टूल बार, ये जो दिया हुआ है डायग्राम में न्यू फोल्डर बटन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। टाइप द नेम ऑफ द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर। नया फोल्डर अपीयर हो जाएगा, उसको हम कुछ नाम देंगे अपने अकॉर्डिंग और एंटर प्रेस करेंगे। द न्यू फोल्डर अपीयर्स इन लोकेशन यू सेलेक्टेड और नया फोल्डर हमारे पास बन जाएगा। फाइंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल यू कैन यूज द फाइंड और सर्च कमांड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग न्यूमेरियस फोल्डर्स। अब हमें कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तो वन बाय वन सभी फोल्डर्स को सभी ड्राइव को ओपन करने के बजाय हम कंप्यूटर में फाइंड या सर्च कमांड यूज कर सकते हैं। द फाइंड कमांड लेट्स यू क्विकली सर्च अ स्पेसिफिक ड्राइव और योर एंटायर कंप्यूटर। फाइंड कमांड के थ्रू हम एक स्पेसिफिक ड्राइव में, एक स्पेसिफिक फोल्डर में या फिर पूरे कंप्यूटर में फाइलें सर्च कर सकते हैं। टू फाइंड अ फाइल और फोल्डर कैसे करेंगे? क्लिक द स्टार्ट बटन। इन द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू टाइप द नेम ऑफ द फाइल या फोल्डर यू वांट टू सर्च। जब हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो नीचे सर्च बॉक्स आता है, इसमें हम फाइल का नेम सर्च करेंगे। इट विल इमीडिएटली शो द सर्च रिजल्ट्स that is the names of file folder with the type text either in their file name or in their content। जैसे ही हम यहाँ पर नाम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स, सर्च रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। क्लिक सी मोर रिजल्ट लिंक अबाउट द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के ऊपर सी मोर रिजल्ट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। लोकेट द डिजायर्ड फाइल इन इट एंड डबल क्लिक टू ओपन इट।
और सर्च रिजल्ट में एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से हम फाइल को निकाल के ओपन कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली या फिर सेकंड मेथड क्या है सर्च करने का, यू कैन सर्च थ्रू कंप्यूटर विंडो एज अ स्क्रीन बिलो। ओपन कंप्यूटर इन डिजायर्ड फोल्डर विंडो, टाइप सर्च आइटम इन टॉप राइट बॉक्स विच इज द सर्च बॉक्स एंड क्लिक सर्च बटन और प्रेस एंटर। विंडो ओपन करेंगे और ऊपर राइट कॉर्नर में सर्च बॉक्स होता है, वहाँ पर हम फाइल का या फोल्डर का नेम लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे या फिर सर्च बटन है उस पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास उस फोल्डर में वो फाइल होगी तो हमारे सामने शो हो जाएगी। ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स बिल्कुल ईजी है, ये भी सिंपली सब पता होता है सबको कि डबल क्लिक सब करना होता है और फाइल या फोल्डर ओपन हो जाते हैं। टू ओपन अ फाइल फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप डबल क्लिक कंप्यूटर, द कंप्यूटर विंडो ओपन्स, कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक द ड्राइव दैट कंटेन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू ओपन, जो फाइल हमने खोलनी है वो जिस ड्राइव में उसमें डबल क्लिक करेंगे और उस फाइल या फोल्डर पर लास्ट में डबल क्लिक कर देंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, जैसे हमने डायरेक्टिंग लाइक डॉट डी ओ सी फाइल ओपन करनी है और जो डी में स्मिता फोल्डर में है, तो डी ड्राइव ओपन की, फिर स्मिता फोल्डर ओपन किया और ये डायरेक्टिंग लेक्चर डॉट डी ओ सी फाइल, इसमें डबल क्लिक किया, ये फाइल ओपन हो गई। रीनेमिंग फाइल फोल्डर, ये भी बिल्कुल ईजी है। इफ़ यू डिसाइड टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल फोल्डर, हमने स्टार्टिंग में जब नया फोल्डर बनाया था कुछ नेम दिया था उसको हमने चेंज करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं उसके। फर्स्ट मेथड है टू रीनेम अ फाइल फोल्डर थ्रू कमांड बार या टूल बार। इन अ विंडो सेलेक्ट द फाइल फोल्डर यू वांट टू रीनेम, जिसको अपने रीनेम करना है उस पर सिंगल क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। ऑन द टूल बार कमांड बार क्लिक ऑर्गेनाइज, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, हमने एक फाइल को सेलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज पर क्लिक किया। फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मेन्यू सेलेक्ट रीनेम, इसमें हमारे पास ऑप्शन है रीनेम नाम से, उसको क्लिक करेंगे रीनेम पे एंड टाइप अ न्यू नेम एंड देन प्रेस एंटर, उसमें फिर नया नाम टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, रीनेम हो जाएगा। सेकेंड मेथड है इन अ विंडो सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू रीनेम, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक द ब्रिंग द शॉर्टकट मेन्यू फॉर सिलेक्टेड फाइल्स, उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुल जाएगा, सेलेक्ट रीनेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, उसमें एक ऑप्शन है रीनेम का, क्लिक करेंगे और लास्ट स्टेप सेम है न्यू नेम टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, फाइल या फोल्डर रीनेम हो जाएगा। मूविंग या कॉपिंग यानी कि कट या कॉपी करना होता है, डिफरेंस क्या होता है कट कॉपी में, पहले ये पढ़ रहे हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द फाइल फोल्डर, कॉपी का मतलब है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना। आफ्टर कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर देयर विल बी टू एग्जैक्टली मैचिंग फाइल फोल्डर्स ऑन डिस्क। फाइल कॉपी करने के बाद दो कॉपी जो बिल्कुल सेम होगी वो बन जाएंगे, और मूविंग का मतलब है दैट द लोकेशन ऑफ फाइल फोल्डर चेंजेस बट देयर रिमेन्स जस्ट वन कॉपी ऑफ द फाइल फोल्डर, उसकी सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, फाइल की हमने लोकेशन चेंज कर दी है। मीन्स मान लो पहले डेटा हमारा कोई फाइल डी ड्राइव में थी, उसको हमने ई ड्राइव में कट मूव कर दिया, फाइल सेम रहेगी लेकिन उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। द फाइल फोल्डर बींग मूव इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस टू द न्यू लोकेशन, जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से रिमूव हो जाएगी या पेस्ट किया वहाँ पे चली जाएगी। कैसे करेंगे कट कॉपी, वही फर्स्ट स्टेप सेम है, डब्ल्यू क्लिक द कंप्यूटर, जिस फोल्डर में हमारे पास फाइल है वहाँ ओपन करेंगे, क्लिक ऑर्गेनाइज, ऊपर लेफ्ट में बटन होता है ऑर्गेनाइज, कट करने के लिए कट कर देंगे, कॉपी करने के लिए कॉपी कर देंगे, कट से मूव होता है, कॉपी से कॉपी होता है। थर्ड स्टेप ओपन द फोल्डर वेर यू वांट टू प्लेस द फाइल, कॉपी करो या कट करो पेस्ट करना होता है, तो जिस जहाँ पे हमें पेस्ट करना है उस फोल्डर में जाएंगे और सेम ऑर्गेनाइज, और वहाँ पर पेस्ट का बटन ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे तो फाइल कट या कॉपी हो जाएगी।
सेकेंड मेथड इसमें उस फाइल पर राइट क्लिक करके भी होता है, सेम है, राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू आएगा, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कट कॉपी के, कट कॉपी करने के बाद जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ फाइल या फोल्डर ओपन करके पेस्ट कर देंगे। डिलीटिंग फाइल, समटाइम्स यू हैव फाइल्स और फोल्डर्स इन योर डिस्क कंटेनिंग डेटा दैट यू नो लॉन्गर नीड। कई बार ऐसे फाइलें होते हैं हमारे पास, ऐसे फोल्डर होते हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं होती। इट इज़ बेटर टू डिलीट दोज फाइल फोल्डर सो दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय देम ऑन डिस्क कैन बी फ्रीड एंड यूज फॉर अदर पर्पज। तो ऐसी फाइलें जो हमारे काम के नहीं होती हैं उन्हें हमें डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट कैसे करते हैं, वही है जिस फाइल को ओपन करना है उसका फोल्डर ओपन करेंगे, ऑर्गेनाइज मेन्यू में डिलीट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। अब आगे लिखा है कि व्हाट हैपेंस टू डिलीटेड फाइल, जब हमने कोई फाइल डिलीट की है तो उस पर क्या होता है, उसके वो कहाँ जाती है। द फाइल्स दैट यू डिलीट आर पुट इन द रिसाइकल बिन, अ होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल्स यू नो लॉन्गर नीड। एक फोल्डर होता है कंप्यूटर में, उसका नाम है रिसाइकल बिन। तो जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमारे ओरिजिनल फोल्डर से हटके रिसाइकल बिन फोल्डर है उसमें चली जाती है। दे आर एक्चुअली नॉट रिमूव फ्रॉम योर हार्ड डिस्क अंटिल यू एम्प्टी द रिसाइकल बिन। जब तक हम रिसाइकल बिन को खाली नहीं करते हैं तब तक वो फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में रहती हैं और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती रहती हैं। दिस मीन्स यू कैन रिट्रीव फाइल्स यू डिलीट इन एरर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी रिमूव देम फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में हैं मीन्स हम उनको रिसाइकल बिन से वापस निकाल सकते हैं। हाउएवर दिस ऑल्सो मीन्स दैट इफ यू वॉन्ट टू फ्री अप दिस स्पेस यू मस्ट एम्प्टी द रिसाइकल बिन पीरियडिकली। अब सेकेंड मीनिंग इसका ये भी निकलता है कि अगर हमें हार्ड डिस्क में स्पेस चाहिए है तो हमें रिसाइकल बिन को भी टाइम टू टाइम क्लीन या खाली करते रहना चाहिए। रिस्टोर कैसे करते हैं रिसाइकल बिन से फाइल को, रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे और फाइल सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ऑर्गेनाइज बटन है उसमें हमारे पास ऑप्शन है रिस्टोर दिस आइटम, रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल जहाँ से हमने डिलीट की थी मीन्स जो उस फाइल की ओरिजिनल लोकेशन है वो फाइल वहाँ पर वापस चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिस्टोर। या फिर सेकेंड मेथड है उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू खुलेगा, वहाँ पर ऑप्शन आता है रिस्टोर का, क्लिक कर देंगे वो फाइल रिस्टोर हो जाएगी। नोट में लिखा हुआ है इफ यू डिलीट अ फाइल एट द कमांड प्रॉम्प्ट और फ्रॉम रिमूवेबल डिस्क मीन्स अगर हम पेन ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, इनसे कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। शटिंग डाउन कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करना है, कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली मेन स्विच से या पावर स्विच से ऑफ नहीं करते हैं। एक तरीका होता है ऑफ करने के लिए, व्हेन यू आर फिनिश्ड वर्किंग इन विंडोज 7 जब हमने काम कर लिया है यू आर नाउ रेडी टू स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ऑफ करना है। बट होल्ड ऑन, डू नॉट स्विच ऑफ योर कंप्यूटर इन अ हरी, कंप्यूटर को जल्दबाजी में कभी भी ऑफ नहीं करते। यू नीड टू प्रॉपरली शट डाउन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करते हैं हर बार। इफ यू प्रॉपरली शट डाउन योर कंप्यूटर देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्टली सेव्स एनी विंडो सेटिंग्स दैट यू चेंज्ड एंड राइट्स एनी इंफॉर्मेशन दैट इज करंटली स्टोर्ड इन मेमोरी टू योर हार्ड डिस्क। जब हम कंप्यूटर को प्रॉपरली ऑफ करते हैं तो हमने जो भी काम किया है वो सारा सेव हो जाता है, जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारी सेटिंग चेंज की है, कस्टमाइज किया है, जो कुछ भी काम किया है वो सारा हमारा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। नोट में लिखा हुआ है डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर अंटिल यू सी अ मैसेज टेलिंग दैट शट डाउन इज कंप्लीट। हमें दिखता है एक मैसेज शो होता है कि शट डाउन कंप्लीट हो गया है, तब तक हम मेन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इफ यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर विदाउट शटिंग इट डाउन करेक्टली यू आर रिस्क क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम उसको डायरेक्टली मेन स्विच ऑफ कर दें तो
चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। शेड्यूल कैसे करते हैं, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक शट डाउन बटन। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं शट डाउन बटन का, उस पर क्लिक करेंगे। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम में। इफ हाउ एवर यू वॉन्ट टू लॉग ऑफ लॉक रिस्टार्ट योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू शट डाउन बटन एंड चूज डिजायर्ड ऑप्शन। अगर हमने शट डाउन नहीं करना है, हमें लॉग ऑफ करना है, लॉक करना है, रिस्टार्ट करना है, स्लीप मोड में करना है, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे जो शट डाउन से नेक्स्ट में है राइट साइड में, और ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनको चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें शट डाउन करना है तो शट डाउन पर क्लिक कर देंगे और कंप्यूटर ऑफ धीरे धीरे प्रॉपरली हो जाएगा।